गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्मार्टियंस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एट होम. सो हेयर इज़ योर इंग्लिश क्लास. सो टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 19, यूजेज ऑफ ए एन द. सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज दीज आर्टिकल्स. सो एवरी वन टेक आउट चैप्टर नंबर 19, यूजेज ऑफ आर्टिकल्स. चैप्टर नंबर 19, सी इंग्लिश हैज टू आर्टिकल्स. इंग्लिश हैज टू आर्टिकल्स, द which is a definite article and a an which are indefinite article. So what is the meaning of definite article? The means ki what is the kya meaning hai da ka, kya hota hai definite article. The is used before specific person. Specific person matlab kisi ek person ki jab hum baat karte hain, place ya fir thing ke bare mein baat karte hain, to hum wahan par da lagate hain. और द का और जब हम ए और एन कहाँ लगाते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज बिफोर नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके, एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड. और जो वॉवल साउंड से बनता है, वॉवल साउंड से वर्ड स्टार्ट होता है, उससे पहले हम ए एन एन लगाते हैं. लुक एट दीज सेंटेंसेस गिवन बिलो. डू यू हैव अ बॉल? He is an American. जैसे ये ए आया है तो इससे पहले एन आ गया. Do you have, क्या तुम्हारे पास बॉल है? बॉल, बॉल से पहले क्या आ गया? ए आ गया. Who is the student that beat you? कौन सा स्टूडेंट है जिसने तुम्हें बीट किया? अवतार इज द बेस्ट शूटर इन आर टीम. कि अवतार के बारे में बात हो रही है तो हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया. She is the principal of our school. I have a way to deal with dogs. So now we will do the exercises.